सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर सत्याग्रह करने जा रहे हैं। अन्ना ने कहा है कि वो 23 मार्च से दिल्ली में इस सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे। मीडिया से बातचीत में इस गांधीवादी ने कहा, मेरा सत्याग्रह तब तक जारी रहेगा जब तक इस शरीर में प्राण है। बता दें कि अन्ना लोकपाल लोकायुक्त की नियुक्तियों के अलावा किसानों से जुड़ी मांगे भी कर रहे हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने सत्याग्रह के लिए जगह नहीं दी तो वो जेल से ही यह काम करेंगे। अन्ना ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री और सरकार के बाकी कुछ मंत्रियों को 16 पत्र लिखे लेकिन सत्याग्रह के लिए जमीन नहीं दी गई। अन्ना के मुताबिक 4 दिन पहले ही उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। अन्ना के मुताबिक इस पत्र में उन्होंने कहा है कि सरकार जानबूझकर सत्याग्रह के लिए जगह नहीं दे रही है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो ये सत्याग्रह जेल से भी करने को तैयार हैं। अन्ना ने कहा कि उनके लिए जेल कोई नई जगह नहीं है। अन्ना ने यह भी कहा कि वो लोकपाल लोकायुक्त और किसानों के मुद्दे पर मोदी को 40 लेटर लिख चुके हैं लेकिन जवाब नहीं मिला। अन्ना ने कहा कि किसानों के लिए इलेक्शन कमीशन की तर्ज पर एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन बनाया जाना चाहिए।